अस्सलाम आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें और हमारा व्लॉग भी जाकर जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। आज की जो वीडियो लेकर आए इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई फर्स्ट टाइम जो है ना महक के व्लॉग्स वो करवा चौथ का व्रत रख के भाई जो होता है ना वो सारा एक सेलिब्रेट करने वाली है, तो देखते हैं उनको कैसा लगता है। फर्स्ट टाइम उनका है तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी देखने में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज के लिए चलो। ये मेरे को देने के लिए लो। अच्छा वैसे यही अच्छा है। ये कमल का फूल ये ज्यादा अच्छा खूबसूरत है। इसे गुलाब को गुलाब नहीं दिया जाता है। सातों भाई माँ बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चोट है। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस आज है करवा चौथ और आप सभी कपल्स को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने मेरे पति के लिए आज व्रत रखा है, शादी के बाद का मेरा फर्स्ट व्रत है आप सभी को पता ही है। और मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ और मैंने व्रत भी रखा है और देख सकते हैं मैंने उनके नाम की मेहंदी भी लगा ली है। रात को ही मैंने लगा ली थी, रज भी गई है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मेरे हाथ में कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताना। और देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उनका नाम भी लिखाया है। सो गाइस कैसा लग रहा है मेरी बहन, कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस आज का जो भी दिन रहेगा और शाम को जो पूजा वगैरह होगी आपके साथ सब चीजें शेयर करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो सो गाइस मैं उठकर मैं नहा चुकी हूँ और फटाफट से मंदिर की पूजा करके फिर चलते हैं बाहर मार्केट में और देखते हैं मार्केट कैसा लगा है। जो भी शॉपिंग करेंगे आपके साथ शेयर करूंगी। ये भी रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट के लिए निकल रहे हो, देखते हैं कैसा क्या मार्केट लगा हुआ है और जो भी चीजें लेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। चलो ठीक है चलो। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में और मार्केट में सबसे पहले यहाँ पे आए हैं महक के लिए करवा चौथ की साड़ी लेने के लिए। और देख सकते हो कि यहाँ पे नई नई साड़ियाँ की वैरायटीज दिखा रहे हैं और अलग अलग तरह से देख सकते हो आप। सो गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे महक को ये रेड चुनरी है और ये बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे और अच्छा वर्क किया हुआ है इसके अंदर और साइड्स में भी बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रिप्स लगे हुए हैं इसके अंदर देख सकते हो आप। तो महक को बोल रहा हूँ कि अच्छी लग रही है, अगर पसंद आती है तो ये ले। सो गाइस हम लोग मार्केट में आ चुके हैं, देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा मार्केट लगा हुआ है और काफी ज्यादा भीड़ हो रही है देख सकते हो आप। यहाँ पे साड़ी मतलब महक को मैंने गिफ्ट कर दिया है और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे करवे लेने के लिए। और अभी चूज करना है महक को कौन सा करवा पसंद है। ये ऑरेंज कलर में है और ये रेड में है, कौन सा रेड वाला देखना है पसंद करती हूँ। बहुत सारी तरह के अलग अलग डिजाइन में है, एक चूज कर लो कोई सा। ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये ठीक है ठीक है। कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करके बताना। तो गाइस आपको दिखा देता हूँ यहाँ के मार्केट का हाल किस टाइप से देख सकते हो आप। पूरा मार्केट भरा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस एक छोटा सा माता जी का फोटो भी ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे और देख सकते हो कि ये फोटो कैसा लग रहा है। और माता जी की पूड़ी भी लेना है करवा चौथ के लिए है ना। ऐसी सारी चीजें तो चूड़ी वगैरह माता जी को चढ़ाने के लिए सब चीजें इसके अंदर। तो गाइस ये रही हमारी करवा चौथ की एक किताब भी ली है महक ने, क्योंकि ये सारी चीजें कथा पढ़ोगी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लोगी है। चलो अच्छी बात है पढ़ लोगी। तो गाइस इसमें सारी चीजें लिखी हुई है और किस तरह से करना है तो महक के लिए फर्स्ट टाइम होगा ये सारी चीजें। करवा चौथ आरती भी है इसमें तो मुझे मेरे लिए अच्छा है, मुझे आती है यही पढ़कर मैं उनकी आरती कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस उसके बाद आती है मेन चीज़, देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी अलग अलग तरह से डिजाइन में लगी हुई चलनियाँ। चांद को देखूंगी मैं। अभी नहीं देखते हैं उसमें, उस टाइम ही देखना है ठीक है। हाँ अच्छा दिखेगा। अरे दिखूंगा क्यों नहीं दिखूंगा। तो कौन सी जुनून होगी, रेड वाली अच्छी लग रही है मुझे तो, ये वाली देख सकते हो गाइस आप लोग बताओ कैसी लग रही है ये। मेरे को तो रेड वाली पसंद है, रेड वाली अच्छी लग रही है। और बताओ रेड नहीं ऑरेंज है। अरे तो अच्छी लग रही है ना, ये वाली भी अच्छी लग रही है ना। अभी किसी को मत देखो, अभी सिर्फ मेरे को देखना है। कौन सा लेना,
सो गाइस अब हम लोग ये वाला लेने वाले हैं। कौन सा लोगे? ये वाला ठीक है, बड़ा फिर तो पूरी कर देगा। हां पूजा सब इस पे हो जाएगी ना, सब हो जाएगी और उसके बाद में ये काम में भी आएगा बाद में। गाइस आएगा सब्जी काटने में, लिखने में भी आएगा। हां ना ठीक है। फाइनल गाइस हम लोगों ने आधा सामान ले लिया है। अब हम लोग बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है इधर और अब चलते हैं। थोड़ा सा हार लेना है अभी हम लोगों को, नारियल लेना है। चले चल तो गाइस हम लोगों ने देख सकते हो कि ये वाला सारा सामान ले लिया है। अब हम चलते हैं, एक कमल का फूल लेना है। तो अभी देख रहा है हम लोगों को कमल का फूल। हाँ यही वाला कमल का फूल लेना है हम लोगों को। ले लो इसको, अच्छा चूज कर लो। बहुत सारी भीड़ हो रही है आज गाइस। ले लेते हैं। हाँ बस ठीक, देखो ना येलो वाला। अरे वही वाला लेना ले लो। अच्छा वैसे यही अच्छा है ना, ये कमल का फूल ये ज़्यादा अच्छा खूबसूरत है। हाँ। इसे गुलाब को गुलाब नहीं दिया जाता है। हाँ तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर मिठाई शॉप पे, जैसे कि देख सकते हो आप। और पूरे मार्केट में काफ़ी भीड़ हो रही है, लेकिन आप चूज करते हैं, हमें देखते हैं। बहुत सारी वैरायटीज रखी हुई मिठाई की, आप देख सकते हो यहाँ पर। सेम रेट, सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हो कि मिठाई पैक करवा ली है, आप लेके इसको चलते हैं। गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे चूड़ा लेने के लिए, देख सकते हो महक के लिए। और बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटीज हैं यहाँ पे चूड़ों की, देख सकते हो आप। हाँ चलो अभी दिखाते हैं महक और कौन सा चूड़ा पसंद आता है, दिखाते हैं आपको आगे। और आज कैसी लगने वाली है, महक का लुक बहुत स्पेशल होने वाला है, करवा चौथ का लुक। तो व्लॉग में बने रहिएगा गाइस। और महक तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज सुबह से पानी भी नहीं पिया, तो ज़्यादा बोलेगी नहीं वो, ज़्यादा सारा मैं बोलने वाला हूँ आज। है ना। हाँ, वैसे भी आज को बोलती का मैं क्यों बोलूँ। हाँ। क्योंकि आजकल उपवास ज़्यादा रखने लगी है ना। अच्छा, मंगलवार का भी उपवास था, कल भी लाइव स्ट्रीमिंग करी तब भी नहीं बोल पा रही थी, और अभी भी कर पा छोटे तो आज भी उपवास है। है ना। हाँ सब दिखता हो पा रहा है, तो दिखाते हैं गाइस अभी आपको आगे। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग तरह से चूड़े हम लोगों को दिखाए जा रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी से आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे वीडियो में। रेड चूड़ा, ग्रीन चूड़ा और भी बहुत सारे अलग नीचे रखे हुए हैं। सो हे गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। हमारा ये आउटफिट है आज का, देख सकते हो कि महक ने साड़ी पहनी हुई है और ये मैंने साड़ी इसको गिफ्ट करी हुई है महक को। और कैसे लग रही है? और गाइस मैंने पहना हुआ है प्रिज्म पल्स कंपनी की तरफ से, जैसे कि आपको पता है कि मेरे को आया था गिफ्ट, और प्रिज्म पल्स कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और उसी का मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग पूजा, और पूजा करने के बाद में दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइस देख सकते हो हम लोगों ने ये प्रसाद बना के रेडी करा हुआ है चढ़ाने के लिए, और माता जी के शूज हम लोग लेके आए हुए थे। हम लोग सारा सामान लेके आ चुके थे गाइस, ये रखा हुआ है सारा सामान हमारे पास में, देख सकते हो आप। और ये रही माता जी की तस्वीर। सबसे पहले मैं इनको अच्छे तरीके से नमन कर दो, अच्छे तरीके से आप स्टार्ट करते हैं पूजा माता की। जब वो अच्छा लग रहा है, जाएंगे मान जाएंगे तब उनके लिए लेकर आएंगे।
और वैसे ऐसे ऐसे चूड़ा लेकर नहीं जाएंगे वहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें लेकर जाएंगे। तो गाइस सारा सामान रख दिया है और कुछ रह तो नहीं गया, याद दिला दो। नहीं नहीं माता जी, कुछ ले जाए गलती हो जाए तो क्षमा करना। तब पूजा करते थे बच्चे से। गाइस अब मैं पढ़ूंगी कथा पूरी, उसके बाद फिर आरती करेंगे। सारी चीजें हो गई अपनी, तो फिर फटाफट से पढ़ कर फिर पूजा करेंगे। करवा चौथ व्रत कथा। वन, एक साहूकार था जिसके सात बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई वहाँ बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन कर। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई तो गाइस हम लोग छत पे पहुंच चुके हैं और देख सकते हो कि चांद भी निकला आया है यहाँ पे, और अब हम लोग इनकी पूजा अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब मैं पूजा करने वाली है, किसकी आप दिखाना। अच्छे से पूजा भी हो गई एंड अच्छे से सब हो गया, चांद को भी देख लिया और मेरे चांद को भी देख लिया मैंने, तो सब चीज अच्छी से हो गई। आई होप आपको सब पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जो भी चैनल पर नए प्लीज वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो, तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा व्लॉग लगा, बहुत प्यार है इन दोनों में, ऐसी ही जोड़ी इनकी सलामत रहे। मतलब ना एक होता है ना, मतलब लड़का होता है गुस्से वाला होता है, लड़की होती है गुस्से वाली होती है, नहीं भाई दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों की आदतें एक दूसरे से इतनी मैच करती हैं और दोनों में इतना ज्यादा प्यार है, इतना मतलब एक दूसरे की केयर करते हैं। और भाई आज हमने फर्स्ट टाइम देखा कि भाई किस तरह से वो एक होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे रोजा होता है वो व्रत रखते हैं, इसके बाद व्रत रख के फिर जो है ना हस्बैंड की लंबी लाइफ के लिए ना ऐसा माना जाता है कि वो रखते हैं, फिर चांद को देख कर इसके बाद जो है ना वो हस्बैंड जो होता है वो अपने हाथों से जो है ना वो उनसे खुलवाते हैं, तो फिर बाद में मिठाई भी खाई, उन्होंने पूरी शॉपिंग की, उनके हस्बैंड ने उनको साड़ी जो भी होता है सारा पूजा का सामान ये वो सब कुछ लेकर दिया, उन्होंने फिर दोनों ने मिलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देखकर। ये थोड़ी देर पहले का व्लॉग है जब ये दोनों साथ थे
और इनके माता पिता के साथ ये नहीं थे रह रहे, ये तब की वीडियो है। लेकिन इन्होंने प्यार तब भी बहुत ज़्यादा था, प्यार अब भी बहुत ही ज़्यादा है और इनकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और इन दोनों की जोड़ी कमाल की लगती है। और मतलब कोई भी मतलब होता है अल्लाह इसको नज़र ना लगाए, होता है ना मतलब कि सख्ती करना बीवी पे ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो उनका मन करता है वो करती हैं, खाते पीते हैं, मज़ा करते हैं और अच्छे तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं। और दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा बहुत हसीन है और बहुत अच्छी लगी भाई। और सारा आज हमने फर्स्ट टाइम देखा कि भाई किस तरह से वो सारा कुछ पढ़ते हैं फिर करते हैं, सारा सिस्टम आज पता चल गया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये जानकर। उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है कौन वीडियो, थैंक यू।